दोस्तों बहुत ही अजीब और विचित्र प्राणी दलदल में रहते हैं, लेकिन ये प्राणी सभी प्राणी से अलग है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन वर्ल्ड में, और आज हम बात करने वाले हैं मेंथिंग के कॉमिक बुक ऑरिजिन के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, ताकि हम अब तक ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्टेंट पहुँचा सकें। दोस्तों कॉमिक बुक के कैरेक्टर्स के साथ कई बार पुनर्कल्पना किया जाता है और उसके कई वर्जन्स निकाले जाते हैं। तो दोस्तों हम मुख्य स्टोरी लाइन को फॉलो करेंगे, जो स्टोरी खुल के सामने आया डेड ऑफ नाइट फियरिंग मेंथिंग के कॉमिक बुक सीरीज में। स्वाम क्रिएचर को मेंथिंग के नाम से जाना जाता है, जिसका पहला डिबेट 1971 में हुआ था। अभी दोस्तों ये स्वाम क्रिएचर होता क्या है? ये दलदल में रहने वाला प्राणी होता है। दोस्तों मेंथिंग का ऑरिजिन कुछ सालों से अच्छा नहीं चल पाया, लेकिन 2008 में इसको फिर से लाया गया था और ये बहुत ही ज्यादा चला था। स्टोरी शुरू होती है टेड सेलिस से, जो कि एक बायोलॉजिस्ट और केमिस्ट था। टेड सेलिस फ्लोरिडा के स्वाम में काम कर रहा था, और उसके साथ उसका मंगेतर और उसका एक कॉलेज फ्रेंड भी काम कर रहे थे। उसका मंगेतर का नाम एलन था और उसका कॉलेज फ्रेंड का नाम था एरिक। कुछ देर के बाद टेड सेलिस को ये पता चलता है कि वो और उसका टीम US गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। टेड सेलिस और उसका टीम सुपर सोल्डर सीरम को फिर से बनाने का कोशिश कर रहे थे। इस सीरम के वजह से कुछ समय पहले स्टीव रॉजर ऑर्डिनरी कैप्टन अमेरिका में चेंज हो गया था। लेकिन दोस्तों टेड को गवर्नमेंट के द्वारा झूठ बोला गया था। एक्चुअली में टेड धोखे में रह के AIM के लिए काम कर रहा था। अभी दोस्तों ये AIM होता क्या है? ये एक आतंकवादी सरकार है, जो अपना बेकार कामों को अंजाम देता है, और अपने बेकार कामों के लिए वो सुपर सोल्डर सीरम का मांग किया था। लेकिन दोस्तों टेड और उसका टीम यानी एलन और एरी को ये पता था कि टेड धोखे में है, और वो दोनों टेड का फायदा उठा रहे थे। और दोस्तों देखा जाए तो ये भी बोला जा सकता है कि उसका मंगेतर और उसका कॉलेज का फ्रेंड दोनों मिलके उसे धोखा दे रहे थे। टेड को पता चलता है कि एरिक उसका सुपर सोल्डर सीरम का फॉर्मूला दूसरे साइंटिस्ट को बता रहा है। तभी टेड एरिक का सामना फेस टू फेस करता है और एरिक को बेहोश करके अपना फॉर्मूला के साथ स्वयं फ्लोरिडा से भागने का तैयारी करता है। लेकिन टेड का मंगेतर को ये पता चल जाता है कि टेड भाग रहा है। टेड का मंगेतर उसे ज्यादा दूर जाने नहीं देती और उसे सीधा गोली मार देती है। तभी दोस्तों टेड एक स्वाम यानी दलदल में गिर जाता है और उसका फॉर्मूला उसके शरीर में लग जाता है। तभी से दोस्तों टेड एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला प्राणी बन जाता है, जिसका नाम था दोस्तों मेंथिंग। तभी दोस्तों टेड मेंथिंग बनने के बाद वो अपने धोखेबाज फ्रेंड एरिक से बदला लेता है और उसको मार देता है। इसके बाद दोस्तों टेड यानी मेंथिंग उसके मंगेतर के ऊपर एसिडिक पॉइजन छोड़ देता है और उसका फेस खराब कर देता है। लेकिन दोस्तों वो अपने मंगेतर को पूरी तरीके से नहीं मारता, क्योंकि उसके अंदर अभी भी कुछ इंसानियत बाकी था। वो बहुत दुखी था, क्योंकि वो अपना सीरम बनाने का काम को बिना पूरा किए चले गया। समय के साथ साथ मेंथिंग के कुछ नए फ्रेंड बने। उसके नए फ्रेंड का नाम था एंडी कैल और जेनिफर कैल। एंडी और जेनिफर कैल के पास कई जादुई शक्ति था, और दोस्तों उनके जादुई शक्ति से वो मेंथिंग को पावर्स देते हैं। और तो दोस्तों मेंथिंग ये भी सीख लिया कि वो अपने आप को कैसे पुनर्जीवित करे। ये एबिलिटी मेंथिंग के पास तब आता है जब एलन AIM के कुछ ग्रुप के साथ मेंथिंग के ऊपर अटैक करती है। लेकिन दोस्तों जेनिफर के मदद से मेंथिंग एलन को अपने कब्जे में ले लेता है। तभी मेंथिंग को ये रियलाइज होता है कि एलन को वो एक बार छोड़ के बहुत ही बड़ा गलती किया है, और इस बार उसको नहीं छोड़ेगा। और उसी टाइम मेंथिंग एलन को अपने बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, और उसके हड्डी और मसल से मेंथिंग अपने बॉडी का पार्ट बना देता है। इसके वजह से दोस्तों एलन का डर खत्म हो जाता है। मेंथिंग का बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ और एबिलिटी है। दोस्तों मेंथिंग अपने अंदर से एसिडिक केमिकल पॉइजन बना के किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मेंथिंग का अपीयरेंस उसको बहुत ही ज्यादा फेमस कर दिया बाकी सुपर हीरो से, और दोस्तों मार्वल यूनिवर्स में वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। उसके अमर होने की वजह से इसको मानना इम्पॉसिबल है। दोस्तों मेंथिंग बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर रहेगा मार्वल यूनिवर्स में। दोस्तों कई सालों से मेंथिंग को बहुत सारी मीडिया में दोस्तों लाया जा चुका है। यहाँ तक दोस्तों रूमर्स ये आ रहे हैं कि थॉर रैग्नारोक में हमें मेंथिंग का अपीयरेंस देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों यही था मेंथिंग का कॉमिक बुक ऑरिजिन स्टोरी। दोस्तों क्या आप मेंथिंग के फैन हैं? तो दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, और दोस्तों ऐसे ही कॉमिक बुक ऑरिजिन के लिए प्लीज दोस्तों आप स्क्रीन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं। तो दोस्तों हम आपसे वापस मिलेंगे किसी दूसरे नए वीडियोस में।